नहा धो के अच्छे साफ कपड़े पहन के आप पूर्णिमा के दिन आटे का प्रसाद बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वादिष्ट चूल्हा प्लस लाइफ में। तो जैसे कि आज पूर्णिमा का दिन है और आज के दिन बहुत लोग व्रत रखते हैं और व्रत में प्रसाद कैसा बने, कितने लोग सूजी का बनाते हैं, कितने लोग आटे का बनाते हैं, तो हम आज लाए हैं आपके लिए आटे का प्रसाद जो मुंह में डालते ही घुल जाए। ठीक है, तो क्योंकि सूजी का खाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आइए अब आटे का प्रसाद आपको कैसे बनता है इसके लिए रेसिपी है। तो आप पूर्णिमा के अलावा कोई व्रत है उसमें भी प्रसाद बना सकते हैं। चलिए हमारे चूल्हे में, तो प्रसाद के लिए हमने एक कटोरा आटा लिया है और इसका जस्ट आधा हमने लिया है चीनी और उसमें डाल दिया हमने इलायची। तो आप मीठा अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट में आपके पास जो जो है ले सकते हैं। हमने बादाम और किशमिश ली है और यहाँ पे मखाने लिए हैं और लिया है हमने थोड़ा बहुत क्रश करके गोला, ठीक है, यानी नारियल सूखा वाला। तो अब हम करते हैं स्टार्ट, पहले इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये हमने चीनी को पीस लिया है, बन गया है भूरा। तो अब करते हैं हम अपने कढ़ाई में ऑपरेशन प्रसाद। तो ये हम कढ़ाई में ले लेते हैं अपना घी। तो पहले हम किशमिश कर लेते हैं। किशमिश कितने लोग फ्राई करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं, इसको ज्यादा नहीं चाहिए, हल्की आंच में, हल्की आंच में करेंगे थोड़ा, क्योंकि हल्का फ्राई करके इसका टेस्ट थोड़ा सही हो जाता है। अब डालते हैं हमने बादाम, इसमें जो है फ्राई करके हल्की फूल जाती है, बादाम भी हल्की आंच में, नहीं तो पट पट फटते हैं। बादाम भी हो गया है, बादाम भी हम निकाल लेते हैं, ये फटाफट जैसे करने लगे निकाल लो। फिर हल्का गोले को भी कर लेते हैं, बस हो गया हल्का। अब कर लेते हैं मखाने, मखाने भी हो गए हैं, उनको भी निकाल लेते हैं। थोड़ा घी कम हो गया तो घी भी थोड़ा और डाल देते हैं, खाना तो हमने ही है। अब घी हो गया है, अब हम अपना आटा इसमें डाल लेते हैं और तो हल्का हल्का फ्राई करते रहते हैं। ये देखिए हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो रहा है। तो ये प्रसाद आप किसी भी व्रत में बना सकते हैं और बच जाए तो ये चाय के साथ भी अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग तो बचता है तो चाय के साथ भी इसको अच्छी तरह मतलब यूज करते हैं, अच्छा लगता है। तो ये हमारा प्रसाद हो गया है, आटा जो है हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम डालते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। पहले हम डाल देते हैं अपना बादाम और किशमिश, ठीक है। फिर डाल दिया हमने हमारा गोला, फिर डालते हैं हम अपना मखाने। अब इसको हम आराम से मिला लेते हैं। तो मखाने कितने लोग इसको पीस के भी डालते हैं, कितने लोग कूट के डालते हैं, तो हमने ऐसे ही डाला है साबुत, तो ऐसे भी अच्छा लगता है, क्योंकि क्रंची जैसा जब खाते हैं तो मुंह में क्रंची जैसा फीलिंग आती है, अच्छी लगती है। अब ये हो चुका है, अब हम कहते हैं इसको गैस को ऑफ कर देते हैं। अब मिलाते हैं इसमें बूरा, अभी बूरा हमने इसमें मिला दिया है, तो आराम से मिला लेते हैं। तो कोई भी व्रत होता है, कोई भी आपका पूजा करते हैं, तो अक्सर उसमें ये आटे का प्रसाद शुभ माना जाता है और लोग मनाते भी हैं। जैसे सत्यनारायण की पूजा होती है उसमें भी बनाया जाता है, कोई कथा घर में होती है उसमें भी बनाया जाता है। तो ये हमारा प्रसाद रेडी है।
तो रेडी है हमारा पूर्णिमा का आटे का प्रसाद। तो आप पूर्णिमा के दिन इसको बनाया जाता है, नहा धो के अच्छे साफ कपड़े पहन के आप पूर्णिमा के दिन आटे का प्रसाद बना सकते हैं और भगवान को चढ़ा सकते हैं। फिर शाम को पूजा पाठ करके शंख बजा के चंद्रमा का दर्शन कर करके आप प्रसाद का सेवन कर सकते हैं। तो ये हमारी रेसिपी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।